हे गाइस वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे बेस्ट हेडफोन के बारे में जो आपको 2000 रुपए के अंदर मिलेंगे। और आपको बता दूं, अगर आप गेमिंग के लिए हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो मैंने गेमिंग हेडफोन के ऊपर भी वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन में मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपका बजट 1000 रुपए है और उसके अंदर हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो इसके राउंड भी वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन में ही मिलेगी, यहाँ कोने में ऊपर। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनको हमने सेलेक्ट किया है इनकी बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए, साउंड क्वालिटी को, बैटरी लाइफ को, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, इनके माइक और साथ के साथ प्राइस को कंपेयर किया, उसके बाद ही इस लिस्ट को प्रिपेयर किया है। अब इतना सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दो जो रेड कलर का है यहाँ पर होगा, और साथ के साथ कमेंट सेक्शन में जो मन करे वो लिख दो, जितने हो सके उतने कमेंट कर दो, चाहे टेक वायर टेक वायर टेक वायर ही बोल दो। तो चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर के हेडफोन के बारे में। तो फिफ्थ नंबर पर जो हेडफोन आता है वो आता है रेड गियर की ओर से। और आपको बता दूं, जो मैंने पिछली गेमिंग की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने इसको सजेस्ट किया था। तो अगर आप गेमिंग लवर हैं तो प्लीज एक बार इसे जरूर चेक करना, काफी कमाल का हेडफोन है। और ये एक वायर्ड हेडफोन है, बाकी सारे वायरलेस हैं, एक लोता यही है जो केबल के साथ आता है। और अगर इस हेडफोन की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफी कमाल की है, केबल की क्वालिटी भी काफी कमाल की है, RGB इफेक्ट काफी कमाल का है, डिजाइन है वो भी काफी कमाल का है, यानी इसके अंदर आपको सब कुछ कमाल का देखने को मिल जाता है। यही अगर इस हेडफोन की मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो साउंड क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलेगी, बेस का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है, ट्रेबल भी है, यानी इसे आप मूवीज के दौरान भी यूज कर पाओगे, हल्का फुल्का म्यूजिक भी सुन पाओगे। और साथ के साथ अगर मैं इसके माइक की बात करूं तो माइक क्वालिटी काफी डिसेंट है। और इसके अगर मैं कम्फर्ट की बात करूं तो कुशन्स काफी सॉफ्ट मिलते हैं आपको, कम्फर्ट है, बट थोड़ा बहुत हैवी फील आपको जरूर होगा क्योंकि इसका जो वेट है वो लगभग थोड़ा सा ज्यादा ही है। और प्राइस आपको बता चुका हूं, वारंटी आपको 1 साल की मिलेगी। तो अगर आप गेमिंग के लिए हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो एक बार इसे जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप इसे बाय भी कर पाओगे। तो चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर के हेडफोन के बारे में जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो फोर्थ नंबर पर जो हेडफोन आता है वो आता है इन्फिनिटी ग्लाइड की ओर से, और ये एक JBL का ही सब ब्रांड है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं या फिर एक बड़ी बैटरी चाहते हैं जो आपका घंटों नहीं बल्कि दिनों तक साथ दे तो इस हेडफोन की तरफ जा सकते हैं। इस हेडफोन का जो प्राइस है वो 1800 रुपए के आसपास है। एंड गाइज आपको बता दूं कि ये ऑन द ईयर हेडफोन है, ओवर द ईयर हेडफोन नहीं है, जिसकी वजह से आपको कम्फर्ट के मामले में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बट अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो साउंड क्वालिटी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी, डीप बेस मिलेगा, ट्रबल भी अच्छा खासा मिलता है आपको, और जो लोज हाइज मिड्स हैं उनको अच्छे से मैनेज किया गया है, यानी कहूं तो JBL की सिग्नेचर साउंड आपको मिलती है। अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूं तो 72 घंटे की बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड करा देता है, यानी आप इसे घंटों की बजाय दिनों तक यूज कर पाओगे। और यहीं अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी भी कमाल की है, ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिलती है आपको। और इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है, डिजाइन कमाल का है, और ये आपको 3 कलर के अंदर मिलता है। और साथ के साथ इसका जो माइक क्वालिटी है यानी कॉलिंग के दौरान आपको डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता है। तो इस हेडफोन का मैं प्राइस आपको बता चुका हूँ, वारंटी आपको 1 साल की मिलेगी, वही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर चेक करना या फिर इसे बाय करना चाहते हो तो आप खरीद पाओगे। अब बचे हुए 3 हेडफोन है और तीनों में काफी अच्छी टक्कर देखने को मिलती है, जिनमें से 2 हेडफोन तो बोट की तरफ से ही आते हैं, जिनमें एक आता है बोट 450 प्रो और दूसरा है बोट 550। तो सबसे पहले बोट 450 प्रो की बात कर लेते हैं, काफी अच्छा हेडफोन है, ऑन द ईयर हेडफोन है, ये भी ओवर द ईयर हेडफोन नहीं है, यानी ये हेडफोन भी आपके कानों के ऊपर ही आएगा। और इस हेडफोन के अंदर भी आपको 70 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, यानी जो बैटरी आपका घंटों की बजाय दिनों तक साथ देगी। साउंड क्वालिटी के मामले में ये भी आपको बोट की सिग्नेचर साउंड प्रोवाइड करा देता है। जो इन्फिनिटी ग्लाइड था उसके अंदर 36 mm के ड्राइवर्स थे, बट इसके अंदर आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिलेंगे जो आपको अच्छी खासी डीप बेस प्रोवाइड करा देते हैं, और साथ में जो वोकल्स हैं वो काफी क्लियर सुनाई देती हैं। इस हेडफोन का जो डिजाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी कमाल की है, और साथ के साथ ये हेडफोन लाइट वेटेड हेडफोन है। इस हेडफोन के अंदर आपको मल्टीपल यूनिक कलर मिल जाते हैं। इस हेडफोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, यानी आप इसे 10 मिनट के लिए चार्ज लगाते हैं तो ये 10 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड करा देता है, जो कि काफी अच्छी बात है। काफी अच्छा हेडफोन है, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसकी जो वारंटी आपको 1 साल की मिलती है, और प्राइस की बात करूं तो 2000 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है।
है। कई बार सेल के दौरान ये आपको 1700 रुपए के आसपास भी मिल जाता है। सो काफी बेस्ट हेडफोन, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इसे बाई कर पाएंगे। और यही अगर मैं बात करूँ बोट 550 की, तो मैं इसे पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप इसकी तरफ जा सकते हैं। काफी कमाल का हेडफोन है। इसका जो अभी का प्राइस 1500 रुपए है और इस प्राइस रेंज में तो काफी वैल्यू फॉर मनी हेडफोन है। इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा कम मिलता है, 20 आवर्स की बैटरी मिलती है आपको। बट इसके अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो काफी बड़े ड्राइवर्स हैं, 50 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं जो आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करा देते हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं जो बेस क्वालिटी है वो 450 प्रो के अंदर अच्छी खासी मिलती है 550 की बजाय। और ये एक ओवर द ईयर हेडफोन है, यानी आपके कानों को पूरी तरह से ढक लेता है, जो कम्फर्ट है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। इस हेडफोन का जो डिजाइन है, जो कलर्स इसके साथ मिलते हैं, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा आपको पसंद आने वाली है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इसकी जो माइक क्वालिटी है वो भी काफी डिसेंट है, जो बाहर की नॉइस है उसको काफी हद तक कम कर देता है ये हेडफोन। प्राइस इसका मैं आपको बता चुका हूँ, वारंटी आपको एक साल की मिलती है और इस प्राइस रेंज के अंदर काफी वैल्यू फॉर मनी हेडफोन है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं 1500 रुपए के अंदर। तो ये काफी वैल्यू फॉर मनी है, मैं बार बार यही बात कहूंगा। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां से आप इसे बाय कर पाएंगे, नीचे है डिस्क्रिप्शन में लिंक। सो फाइनली नंबर वन का जो हेडफोन आता है, वैसे तो उसका प्राइस हमेशा 2000 से ऊपर रहता है, यानी 2500 या 3000 रुपए के आसपास रहता है। बट अभी के टाइम ये आपको 1800 रुपए के अंदर मिल रहा है और इस प्राइस रेंज में काफी कमाल का हेडफोन है। ये हेडफोन है साउंड कोर की ओर से Q10 और इसके अंदर जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है, डिजाइन मिलता है, इसकी साउंड क्वालिटी मिलती है, या फिर इसकी बैटरी क्वालिटी मिलती है, या फिर इसकी कॉलिंग क्वालिटी, सब कुछ बेस्ट मिलता है, वो भी 2000 रुपए के अंदर। सो अगर आपको ये हेडफोन 2000 रुपए के अंदर मिलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसकी तरफ ही जाएं। और अगर ये हेडफोन आपको 2000 रुपए से ऊपर मिल रहा है तो आप बोट 550 की तरफ जा सकते हैं आंखें बंद करके। साथ ही साथ आपको बता दूं जो बोट 550 की फिटिंग है वो कहीं ज्यादा बेहतर है साउंड कोर के Q10 से। और यही अगर आप इनके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो, अलग से रिव्यू वीडियो चाहते हो, तो मैं अलग से भी बना दूंगा, मेरे पास हेडफोन है। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बोट 550 की तरफ जा सकते हैं और अगर ज्यादा बेस चाहते हैं तो बोट 450 प्रो की तरफ जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि सभी जो हेडफोन उनके डिस्काउंटिंग लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहां से आप इन्हें बाय कर पाएंगे या फिर इनकी और डिटेल को चेक कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दो जो रेड कलर का, आई थिंक आप प्रेस करना भूल जाते हो, बट इस बार प्रेस कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। जय हिंद। Got to keep it rolling, there's no time to be wasting, I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters, I need space more than orders, I'd just rather move it along.